अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। रोहित क्या बात है? मन में कोई बात है तो बताओ मुझे, क्यों परेशान हो? वो ये तो रूही के कान के, यहाँ कैसे है? कहीं रूही ने तो नहीं किया ये सब? अब होगा इस पेपर का सही इस्तेमाल। रूही? अब वो कुछ नहीं ना जी, वो रात के खाने के बारे में सोच रही थी। पता नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या बनाऊं। रूही, रूही, छोटी माँ, छोटी माँ, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? क्या तुम मेरे पीठ पीछे मेरे कमरे में गई थी? हाँ मम्मी जी, वो मेरा झुमका। कहाँ है तुम्हारा झुमका? मम्मी जी वो क्या बात है रूही, तुम इतना हिचक क्यों रही हो? और वैसे छोटी माँ, अगर रूही आपके कमरे में चली भी गई तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात? रूही सिर्फ मेरे कमरे में नहीं गई थी बेटा, वहां इसने छानबीन भी की है। हाँ मैं आपके कमरे में गई थी लेकिन मैंने कोई छानबीन नहीं की है। फिर तुम्हारा ये झुमका मेरे अलमारी में क्या कर रहा था? यही नहीं, तुमने मेरे फोन में भी ताका झांकी की है। रूही, क्या छोटी माँ सच बोल रही है? बोलो रूही, तुमने मेरा फोन छुआ था या नहीं? उसे चार्जिंग से हटाया था या नहीं? मम्मी जी, मैंने आपका फोन चार्जिंग से निकाला था क्योंकि उस पर किसी का फोन आ रहा था, लेकिन मैंने आपके कमरे में कोई छानबीन नहीं की है। छानबीन नहीं की तो क्या तुम्हारा झुमका उड़ के चला गया अलमारी में, जबकि तुम वही लेने गई थी और वही भूल के आ गई? सोनी, तुम अपने गहने वहने चेक कर लो, ऐसा ना हो कि यहां से गहने और पैसे चुराकर अपने मायके वालों को देती हो। दादी प्लीज, रूही इस घर की बहू है, उसे चोरी करने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर उसे कुछ चाहिए वो हक से मुझसे मांग सकती है। हाँ, खुद के लिए तो मांग ही सकती है लेकिन मायके वालों के लिए नहीं ना, वो तो फुक्कड़ ही है ना। रूही प्लीज, दादी की बातों पे ध्यान मत दो, मुझे बताओ क्या बात है? नारजी, वो सच सच बोलो रूही, तुमने मेरे फोन के साथ क्या छेड़खानी की है? कैसे बताऊं सबको कि मम्मी जी के फोन पे गुरु माँ का फोन आया था? वो सच तो मैं पूरी तरह नहीं जानती और ऐसे ही हवा में मैं मम्मी जी पर इतना बड़ा आरोप नहीं लगा सकती। अब क्या करूं, क्या जवाब दूं सबको?
मनोरमा देना, एक तस्वीर भी ढंग की नहीं भेजी है। कैसी मिडिल क्लास सी लड़कियों की तस्वीरें भेज दी मेरे पिंकू के लिए? एक है जो मेरे पिंकू के लायक है। दीदी जी, पिंकू जी के लिए दूसरी पत्नी भी देखने लग गई। हाँ मनोरमा, ये कैसी गंदी गंदी तस्वीरें भेज दी तुमने? मैंने कहा था मेरी पिंकू के लिए ऐसी लड़कियों की तस्वीरें भेजो जिनकी शक्ल से ही अमीरी रईसियत छलके। बेकार तस्वीरें भेजी हैं तुमने। हाँ भेजो। भाई तुम्हें पिंकू जी से माफी मांगनी थी, पर वो तो कहीं दिखी नहीं रहे। दादी जी के प्लान के बारे में तो पता चल गया, इनको तो मैं बताती हूँ। ये एपिसोड देखिए YouTube पर शाम 6:30 बजे। बिल्ली होगी शायद। रोहित तुम जवाब दो या ना दो, सोनी आंटी के सवालों से सच खुद पे खुद सबके सामने आ जाएगा। बेटा तुम चुप क्यों हो? कुछ बताओ भी, वरना सबकी नजरों में तुम गलत कहलाओगी। हाँ भाभी बताइए ना, क्या बात है, हुआ क्या है बताइए। ये आशी भी ना, कितनी बार कहा है ये प्लेन गार्डन में उड़ा है। रोही, क्या ये तुम्हारे डायरी का पन्ना है? रोही, मम्मी हर बार की तरह इस बार भी मैं अपनी उलझन लेकर आपके पास ही आई हूँ। आप ही बताओ, गुरु माँ पर यकीन करूँ, मम्मी की फोन पर जो बातें सुनी उन पर यकीन करूँ या अपने दिल की सुनूँ? क्योंकि मेरा दिल मान ही नहीं रहा है कि मम्मी जी मुझ पे काले जादू का इल्जाम लगाने के लिए गुरु माँ को बुला सकती है। पर फिर आंखों देखी और कानों सुनी बातें मैं कैसे झुठलाऊं मम्मी? दिल और दिमाग की इस लड़ाई में फंस के रह गई हूँ मैं, क्या करूँ? मम्मी जी से सवाल करूँ, वो क्यों हमारा घर तोड़ना चाहेगी? ये सब क्या चल रहा है रोहित?
तुम मेरी छोटी माँ पर इतना घटिया इल्जाम कैसे लगा सकती हो? बोलो रूही, बोलो छोटी माँ के बारे में ऐसी बातें क्यों लिखी तुमने? राजीव, मेरा मतलब वो नहीं था। क्या मतलब था? वो क्या मतलब? तुम्हारे मन की बात पकड़ी गई तो अपनी लिखावट से ही मुकर रही हो। इतनी घटिया सोच, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि तुम्हारी सास गुरु माँ के साथ मिलकर तुम्हें सताएगी और अपना ही घर तोड़ने की कोशिश करेगी? इतना घटिया इल्जाम लगाया तुमने सोनी पर। नहीं नहीं दादी जी, मैं मम्मी जी पर कोई इल्जाम नहीं लगा रही थी। हाँ भी माना कि मम्मी कभी कभी आपके साथ सख्ती से पेश आती हैं, लेकिन उनके मन में आपके लिए कोई नफरत नहीं है, बल्कि वो तो हमेशा आपके और नाहर भैया की फिक्र करती रहती हैं। लेकिन ये सब लिख कर ना सिर्फ आपने आज मम्मी का दिल दुखाया है पर हम सबको बहुत ठेस पहुंचाई। मम्मी जी प्लीज मेरी बात तो सुनिए, प्लीज मम्मी जी। क्या सुनो रूही, मेरा मन तो ये मानने को तैयार ही नहीं हो रहा है कि तुम मेरे बारे में इतना बुरा सोचती, मुझे अपना और इस घर का दुश्मन समझती हो। रूही, अगर तुम्हारे मन में कोई सवाल था तो तुम सीधे सोनी आंटी से पूछ लेती, उनके कमरे में जाके छानबीन करने की क्या ही जरूरत थी। तुम तो ऐसा बिहेव कर रही हो जैसे सोनी आंटी कोई बहुत बड़ी चोर हो। मैं आप सबको कैसे यकीन दिलाऊं कि मैंने कोई छानबीन नहीं की है? तो आपको लगता है सासू माँ झूठ बोल रही हैं? आपके हिसाब से सासू माँ ने आपका झुमका भी अपनी अलमारी में खुद रखा है ना? नहीं रोमल जी, पर सच मानिए मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ। मैंने तो मम्मी जी के अलमारी को हाथ भी नहीं लगाया था। झुमके को छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ तुमने छोटी माँ के फोन को हाथ क्यों लगाया? नारजी, वो मैं क्या रूही, तुम्हें आंटी पर शक था इसलिए तुमने ये सब किया ना? देख लिया ना सोनी, अपनी सास की बात ना मानने का नतीजा, जिनका तन मैला होता है उनका मन भी मैला होता है। दादी प्लीज, मैं मानता हूं कि रूही की गलती है लेकिन इसमें रंग को दोष मत दीजिए प्लीज। वाह, करो और तरफदारी करो इसकी, सब इसकी तरफदारी कर लो इसकी तरफदारी, लेकिन मेरी बात कान खोल के सुन लो। जिस दिन ये लड़की घर में फूट डालेगी ना, उस दिन सबकी आंखें खुलेगी। नहीं दादी जी प्लीज, ऐसा मत कहिए। दादी की बात छोड़ो रूही, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। तुम्हारे मन में ऐसी बातें आई कैसे? क्यों ये सब लिखा डायरी में छोटी माँ के बारे में? क्यों उनके कमरे की तलाशी ली? क्यों उनका फोन चेक किया? बताओ रूही, मैं पूछ रहा हूँ तुमसे, क्यों किया ये सब? नहर जी, मैंने उनके कमरे की तलाशी नहीं ली। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, आप लोग मेरी बात समझ क्यों नहीं? नहीं, आवाज ऊंची करने से हमारे आंखों देखा सच बदल नहीं जाएगा। दादी जी, मम्मी जी, मैंने अपने डायरी में ये सब सिर्फ अपने मन को शांत करने के लिए लिखा था। गुरु माँ की बातों ने मेरे मन को बहुत अशांत कर दिया था, इसलिए मैंने बस सुकून पाने के लिए अपनी डायरी में ये सब लिखा था। गुरु माँ की बातें मतलब? तुम्हारा घर तोड़ने को कहा वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी सास सोनी गोयनका है। क्या गुरु माँ ने मेरा नाम लिया? दादी ये सब क्या है? पिंकू बेटा, तूने देखा ना तेरी पसंद की लड़की ने हमारे जज्बातों के साथ कैसे खेला, हमें धोखा दिया। और जो रिश्ता दर्द देना बेटा,
उसे भूल जाना ही अच्छा। इसलिए तू भी इस पलक को भूल कर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर। इसलिए लाई हूँ मैं ये सारी तस्वीरें। जो तस्वीर तुझे पसंद होगी ना, बस हाथ रख दे, वही रिश्ता कराऊंगी मैं तेरा। तेरी शादी में वही करवाऊंगी। पिंकू जी, इतनी जल्दी आप हमारे प्यार को बुलाकर जिंदगी में आगे बढ़ गए? नहीं पलक, मैं जी कर क्या करूंगी। मैं आज यही सबके सामने अपनी जान देकर आपको इस रिश्ते से आजाद करती हूँ। हमारा रिश्ता बस यहीं तक था, इस सब कुछ भूल जाइए। पर तो हमारी शादी और सुनैना माँ पापा के खिलाफ जाकर कोई फैसला नहीं बदलेगी। आग लगा देंगे, पूरा मुंगेर में लाशें बिछवा देंगे, लेकिन तुमको सुनैना के नजदीक भटकने नहीं देंगे। मैं ये शादी हरगिज नहीं होने दूंगा। सुनैना सिर्फ मेरी है और उसे अपना बनाने से आप क्या, इस दुनिया में कोई नहीं रोक सकता मुझे। ये एपिसोड देखिए यूट्यूब पर शाम 7 बजे। दादी, मेरा और पलक का सिर्फ झगड़ा हुआ है। हम दोनों एक दूसरे से आज भी उतना ही प्यार करते हैं जितना कल करते थे। और ये दूसरी शादी पलक के साथ नाइंसाफी होगी, पर मैं ये नहीं कर सकता। क्या दादी, अभी भाभी को कोई एक हफ्ता नहीं हुआ है और आप यहाँ पे दूसरी शादी की तैयारियां शुरू कर रही हैं। तुम्हारी दादी को मैंने कितनी बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वे सुने तब तो। समझ में नहीं आ रहा चक्कर क्या है। मैं इस पलक को जितना इन सब से, इस घर से दूर भगाने की कोशिश कर रही हूँ, ये सारे के सारे उसके इतने मुंह में पड़ते चले जा रहे हैं। नहीं मैम, मैं तो ऐसा नहीं होने दे सकती। मैं किसी कीमत पर पलक को इस घर में वापस नहीं ले सकती। उसे इस घर से जाना ही होगा, मुझे कुछ सोचना ही होगा। सोच कुछ। हेलो, हाँ संदीप फोटो स्टूडियो से बोल रहे हैं। हाँ सुनिए, मुझे ना एक फोटो बनवानी थी। ओके। पर उस गुरुमा ने मेरा नाम क्यों लिया? भाभी, आर यू श्योर? मतलब आपने कुछ गलत तो नहीं सुना? नहीं समर भैया, उन्होंने मम्मी जी का ही नाम लिया था। वाह रोही वाह, उस गुरु माँ ने सोनी का नाम लिया और तुमने उसकी बातों में आके झट से सोनी के कमरे की तलाशी ले ली। हाँ रू, तुम तो जानती हो ना वो पाखंडी है गुरु माँ, हमारे परिवार को तोड़ने आई थी, इसलिए तुम्हें फंसाकर छोटी माँ का नाम ले रही है वो। और अगर उसने मेरा नाम लिया होता क्या तुम मुझ पर शक करती? नहीं नहीं नाशी, मैं मम्मी जी पर शक नहीं कर रही थी। मैं तो उनसे इसी सिलसिले में बात करनी जा रही थी, पर तभी मैंने मम्मी जी को फोन पर किसी से बात करती सुना, इसलिए मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी। क्या सुना तुमने रूही? ये कि आप किसी से पैसों के बारे में बात कर रही थी, उन्हें घर आने से मना कर रही थी और उन्हें कह रही थी कि ना रूही को पता ना चले। और तुम्हें लगा मैं गुरु माँ से बात कर रही थी। भाभी, आपने मम्मी को एकदम गलत समझ लिया है, बल्कि मम्मी तो आपके और नाहत भैया के लिए सरप्राइज प्लान कर रही थी, इसलिए वो दुकानदार से बात कर रही थी। और आप उनकी ये सब बातों का कुछ अलग ही मतलब निकाल के बैठी हैं। भाभी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आई थिंक आंटी का सरप्राइज गिफ्ट आ गया, मैं लेकर आती हूँ। ये देखो रूही, आंटी तुम्हें सरप्राइज गिफ्ट दे रही है और तुम उन्हें ही दुश्मन समझ के बैठी हो।
रूही, तुम ही कहती थी ना कि आधी अधूरी बात पर विश्वास करना झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है, और तुमने आज खुद ही आधी अधूरी बात पर विश्वास करके मन में धारणा बना ली। हाँ रूही, तुम्हारे मन में शक था तो तुम छोटी माँ से बात कर लेती या मुझे पूछ लेती, मैं तुम्हारा वहम दूर कर देता। रहने तो ना, जब इंसान अपने वहम को यकीन में बदल ले उसे कोई दूर नहीं कर सकता। गुरुमा से मिलकर मैंने तुम्हें जो तकलीफ दी थी उस बात का अफसोस मेरे मन से नहीं जा रहा था रूही, इसलिए मैं तुमसे दिल से माफी मांगना चाहती थी। तुम्हारे लिए ये गिफ्ट मंगाया था, पर अब ये गिफ्ट देने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि तुम्हें तो इसमें भी कोई ना कोई षड्यंत्र दिखेगा ना। नहीं मम्मी जी, मम्मी जी मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती थी। मम्मी जी मुझे आप पर पूरा भरोसा है, वो तो जब मैं आपके रूम में वो झुमका लेने आई थी तब आपका फोन बजा और मैंने देखा तो वो कुरुमा का फोन था। पर मैं चुपचाप तुम्हारा इल्जाम बर्दाश्त कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे गुनाहों तले दबाती चली जाओ। गुरुमा मुझे क्यों फोन करेगी रूही, और तुम्हें अगर मुझ पे इतना ही शक है तो एक काम करो, पुलिस बुलाओ। बुलाओ चलो मम्मी जी, लगाओ पुलिस को। मम्मी जी चलो आओ। छोटी माँ मम्मी जी, छोटी माँ मम्मी जी प्लीज, छोटी माँ प्लीज प्लीज शांत हो जाइए। कैसे शांत हो जाओ नाहर, तुम्हारी पत्नी यहाँ मुझ पे आरोप लगाए जा रही है, तुम कह रहे हो कि शांत हो जाओ। ये लो मेरा फोन और खुद ही देखो कि इसमें कहाँ है गुरुमा का नंबर।